तो दोस्तों आज का वीडियो मैं उन लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया था, लेकिन फर्स्ट राउंड में उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था। तो उनको सेकंड राउंड यानी CLC राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और आप भी सीख जाएंगे, आप भी घर बैठे आराम से CLC राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। कैसे चॉइस फिलिंग करना है पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप हमेशा अपडेट रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको अपने कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है। गूगल क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद आपको सर्च बार में क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च करना है ई प्रवेश। जैसे आप ई प्रवेश करेंगे तो आपको यहाँ पर फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देना है। इस लिंक पर क्लिक करते ही आप ई प्रवेश के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। इस प्रकार का आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा ई प्रवेश का होम पेज। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आपको रजिस्ट्रेशन सेकंड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग कहाँ से करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस पर ऐसा पेज आएगा, इसमें आपको चेक मार्क लगा देना है। चेक मार्क लगाने के बाद आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं चॉइस फिलिंग है ना, यहाँ पे लिखा है चॉइस फिलिंग CLC, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है ना। जब आपने फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन किया था तो आपको ID और पासवर्ड मिला होगा, तो वो ID पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल देना है, वो एप्लीकेंट ID यहाँ पर डाल देना है। देन उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको अपना पासवर्ड इसमें डाल देना है। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ ID और पासवर्ड डालेंगे उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा है 6+1 है ना, मतलब वहाँ पर आपका कुछ भी कैप्चा आ सकता है तो उसका आंसर आपको देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं पहले डाल देता हूँ पासवर्ड। पासवर्ड डालने के बाद 6+1 मतलब उसका कैप्चे का आंसर दूंगा और उसके बाद व्यू डिटेल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी डिटेल खुलकर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसमें अभी पासवर्ड डाल दिया है मैंने, अब कैप्चा डाल दिया, व्यू डिटेल पर क्लिक करता हूँ है ना। अब यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मेरे सामने मेरा फॉर्म खुलकर आ गया है। ये फॉर्म आप अच्छी तरह देख ले, उसके बाद आपको यहाँ पर जो कॉलेज आपने फर्स्ट राउंड में लिया था उसकी जानकारी रहेगी। इसके अलावा अगर आप दूसरे कॉलेज भी लेना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसी कॉलेज के लिए आप यहाँ पर गेट OTP पर क्लिक कर दें। तो आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया था उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। ठीक है दोस्तों, आप इसमें नंबर ऑफ कॉलेज मतलब 15 कॉलेज इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, कोर्स कोड डाल सकते हैं और उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉक चॉइस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये लिखा हुआ आ गया है चॉइस लॉक्ड, मतलब आपकी चॉइस लॉक हो गई है। जब 24 सितंबर को मेरिट लिस्ट लगेगी दूसरी सेकंड राउंड के लिए तो उसमें आपको अपना नाम देख लेना है। अगर आपका नाम आता है तो ठीक है, उसके बाद फिर ऑफलाइन एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऑफलाइन एडमिशन भी आप ले सकते हैं है ना। आई होप कि सेकंड राउंड में आपका भी नाम आ जाए। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से प्रिंट आउट कर ले, प्रिंट आउट करके रख ले अपने पास है ना, क्योंकि आगे आपको काम आने वाली। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और आपकी कोई प्रॉब्लम है तो हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करके बताएं।